हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया स्टार हर्स गेमिंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि GTA 5 को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है। आप मार्केट में जाके तो सीडीज़ खरीद नहीं सकते हैं GTA 5 की। बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि बताओ ऑनलाइन हम कैसे परचेज़ करें GTA 5 को। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ऑनलाइन इसे कैसे परचेज़ करें। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च में जाकर यहाँ पर आपको स्टीम टाइप करना है। ठीक है, हम स्टीम से डाउनलोड कर रहे हैं। GTA 5 के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं स्टीम से बता रहा हूँ। स्टीम पे शायद थोड़ा अभी ऑफर मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। यही है स्टीम का वेबसाइट, जो ये है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो अकाउंट क्रिएट करना है स्टीम की वेबसाइट पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट है, तो यहाँ पे हमें ज्वाइन स्टीम करना है, न्यू अकाउंट बनाना है। जैसे मैंने पहले बना रखा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको कैसे अकाउंट को क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं न्यू फ्री अकाउंट, तो आपको ज्वाइन स्टीम करना है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ खुलता है, तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, तो आपको ईमेल एड्रेस डालना है, फिर कंफर्मेशन दे। तो मैं ईमेल एड्रेस ऐसे ही कुछ ले लेता हूँ, मैं अपनी ईमेल एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे ही कुछ एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेस डाल। फिर आपको यहाँ पे एक ईमेल डालकर उसे कंफर्म कराना है, और कंट्री वगैरह रेसिडेंस अपनी डाल देनी, वही इंडिया, और आई एम नॉट अ रोबोट ये वाला कैप्चा को टिक करके आई एम एग्री। हाँ गाइज, आपको 13 इयर्स के अबव होना चाहिए। तो कुछ ऐसा आपको कुछ आ जाएगा सब सारे प्रोसेस करने के बाद। तो आपको यहाँ लिंक, आपके जो मेल है वहाँ पर एक लिंक जाएगी, आप यहाँ चेक कर सकते हो वेटिंग फॉर ईमेल वेरीफिकेशन। तो यहाँ पर एक लिंक जाएगी जिसको आपको वहाँ पर जाके क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं अभी वो नहीं दिखा सकता, बहुत ईजी है। आपको बस उस लिंक पर जाना है और वहाँ से आपको बस क्लिक करना है, तो आप सीधा इसमें लॉगिन हो जाओगे। तो मैं लॉगिन हो रखा हूँ अपने अकाउंट से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे चेक करा दूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा इसका मतलब पेज खुलने के बाद ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे गेम्स सब बहुत सारे आप देख सकते हो, ऑफर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है GTA। ठीक है, जैसे मैंने GTA सर्च किया, तो यहाँ देख सकते हो GTA 5 यहाँ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा गेम ओपन हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हो दिस गेम में कंटेंट नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द एजेस। ठीक है, तो 18 अबव शायद आपका एज होना चाहिए, या 13 अबव है, कुछ ऐसे ही है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल लेना है। आप ध्यान रखें कि 18 अबव आपका एज होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल लिया है, तो उसके बाद आपको यहाँ से ओपन करना, तो यहाँ से GTA 5 आपका ओपन हो जाता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 18 से कम है तो शायद ना हो, मैंने चेक नहीं किया, आप देख लेना। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, और 14 अप्रैल 2015 में ये गेम रिलीज़ हुई थी। और ठीक है, तो ये कुछ ट्रेलर्स वगैरह है GTA 5 के। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, बाय GTA 5, ओके, तो इसका प्राइसिंग है 2099, डेट इज़ 2100, और एक है बाय GTA 5 प्रीमियम ऑनलाइन एडिशन। तो ये भी आप ले सकते हो, इस पर 12% अभी ऑफर चल रहा है, कम पड़ रहा है आपको, तो 2300 में आपको ये पड़ेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल ये वाला दिखा देता हूँ, GTA 5 नॉर्मल वाला। तो यहाँ पे परचेज फॉर माईसेल्फ और परचेज एज ए गिफ्ट है। तो ठीक है, आपको जो सा भी लेना है आप देख सकते हो, ये विंडोज़ के लिए। तो मैं परचेज फॉर माईसेल्फ करता हूँ, अपने दोस्त को भी गिफ्ट कर सकते हैं परचेज एज गिफ्ट में। सो यहाँ पे आपको देख सकते हो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं पहले साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सारे अकाउंट डिटेल्स डाल रखे हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे साइन इन करेंगे, वैसे ही आपका वो पेमेंट का, ये पेमेंट मेथड का ये खुल जाएगा पेज। ठीक है, तो आपको यहाँ से पेमेंट करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से मेथड को आपको चूज़ करना है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, बहुत सारे हैं जो भी ऑप्शंस होते हैं, सारे आप यहाँ से कर सकते हो। नेट बैंकिंग भी आप कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो आप यहाँ से करके, और यहाँ पे सारे डिटेल्स, अपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, और बिलिंग इन्फॉर्मेशन पर नाम, सिटी, स्टेट्स, ये सब, कोर्स, फ़ोन नंबर, कंट्री, ये सब आप डालकर यहाँ से फाइनली यहाँ पे टिक नीचे कर देना, सेव माई पेमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको आगे भी इस वेबसाइट से गेम खरीदना, और आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है गाइस, इसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे इजीली गेम को। ठीक है गाइज, और वहाँ से इंस्टॉल आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं पता तो आप जाकर देख लो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बाय।